भैया ये मैडम कितनी तेज है, कितनी तेज इसके पास माइंड है, कंटेंट तो मानो कि ये तो एक बॉक्स है और उस बॉक्स में हाथ डालती है और कंटेंट निकल के आ जाता है। इतने माइंड से ये लड़की सोचती है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते। छोटी सी मतलब 7-8 महीने के बच्चे को, साल भर का भी नहीं हुआ है, उसको आंगनवाड़ी में लेके चली गई, उसको स्कूल की ड्रेस पहना दिया। और ये ऐसी सोच रखने वाले पता है कौन से लोग होते हैं, जो सिर्फ इसलिए बच्चे को पाल रहे होते हैं कि आगे चल के ना वो बच्चा हमारा भविष्य बनाएगा। तुम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो कुछ नहीं है। 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो शूट करने के मारे तुम इतना उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आंगनवाड़ी में भी बच्चा भैया तब जाता है जब वो अपने पैरों पे चलने लग जाता है। नहीं देखा तो जहां तुम लेकर गई थी वहां बच्चे बैठे हुए थे ना, कोई भी तुम्हारे बच्चे के बराबर का वहां पे बच्चा दिखा तुम्हें? नहीं दिखा ना। क्यों दिखेगा? क्योंकि वहां पे वो बच्चे थे ही नहीं। आंगनवाड़ी सिर्फ तुम्हारे चंडीगढ़ में ही नहीं है, हर जगह आंगनवाड़ी। और बच्चों को आंगनवाड़ी में नाम तभी लिखा दिया जाता है जब वो बच्चा पेट में होता है, क्योंकि वहां पे उसके, ठीक है, तो जब उनको वैक्सीनेशन किया जाता है ना, तब उनको वहां पे नाम रजिस्टर कराया जाता है, तो तब से आंगनवाड़ी का उनका चलता है। तो तुम तो भैया बच्चे को लेके ही पहुंच गई, ड्रेस पहना दी, और तो लोग देखेंगे भैया, करेंगे, हंसेंगे। फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलता है तो भैया पहले तुम देखो, मैं ये नहीं कहूंगी, तुम्हारा पति है और बना रहे सबका सुहाग, मैं तो ये कहूँ, क्योंकि तुमने ना सिंदूर तक का तमाशा बना दिया है, सिंदूर तक का मजाक बना के रख दिया है तुम जैसी औरतों ने। एक है, आप जानते हैं उन्हें, वो मोहतरमा, पहले उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे मतलब पैतरे अपनाए अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, तो वो गई भी आगे, पर उसके बाद ना अभी तक वो 2 लाख अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पाई है। तुम्हें ये गुरूर है कि तुमने 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, तो मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर्स बन चुकी हूँ, और आज तुम सिंदूर का मजाक बना रही हो, मैं लगाती हूँ, नहीं लगाऊँ, क्यों करूँ, नहीं करूँ, ये करूँ, तो वो आपकी अपनी लाइफ है। अगर आपके मन में ये सब चीज़ें हैं, एक सेकंड ये बाइक चली जाए, फिर मैं आपसे कंटिन्यू बात करती हूँ। तो आपके मन में ये सब चीज़ें हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमें पता है, और जितना तुम कंट्रोवर्सी करके ऑडियंस के माइंड को, मतलब कहते हैं ना, उलझनों में डाल दे रही हो, तो वो तुम कोई भलाई का काम नहीं कर रही। तुम एक ऐसी औरत हो, एक तरफ भगवान को पूजती हो, दूसरी तरफ सिंदूर का मजाक बनाती हो। वो आता 10 रुपए का है, पर जब एक औरत की, एक सुहागन की मांग में वो सिंदूर लगता है ना, तो उसकी कीमत करोड़ों तक हो जाती है। क्योंकि कोई भी औरत ना अपने आदमी को किसी के भी साथ बांट नहीं सकती है, आई बात समझ में? और एक तुम ऐसी औरत हो यार, मतलब आदमी का, तुम एक ऐसी औरत हो, तुमने तो अपने आदमी का ढोली पीट के धर दिया है। एक तो वो वैसे ही ऐसा कीकर का सा है, और तुमने उसकी बदनामी कर करके इधर वो अपने कमरे पर जाकर पहली बीवी, दूसरी ये वो ढिमका फलाना, मतलब यही सब चीज़ें लाने को, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट हम भी निकाल के ला सकते हैं, पर भैया अपनी फैमिली के, अपने परिवार की बदनामी करके अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सिर्फ आपको चाहिए मैडम, हमें नहीं चाहिए। वो एक छोटे से बच्चे को तुमने खिलौना बना दिया है कि आज इसको इस तरीके से रखेंगे तो इतने डॉलर आएंगे, आज इसको उस तरीके से रखेंगे तो उतने डॉलर आएंगे, और आपको पता है कि आपके बेटे को देखने के लिए ऑडियंस आती है। तो भैया जब तुम अपने बच्चे को इस तरीके से कंटेंट कंटेंट खेलोगी, और एक बात बताऊँ, वैसे भी ना तुम्हारी किस्मत चमकी है ना, तो सिर्फ तुम्हारे बच्चे की वजह से। जब तुमने अपनी प्रेगनेंसी के ब्लॉग डालने स्टार्ट किए थे ना, लोगों को किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश तुमने जो की थी ना, तो उस टाइम लोग नहीं समझ पा रहे थे, उस टाइम उन्हें लग रहा था कि बेचारी है और सास ससुर साथ नहीं रहते हैं, माँ बाप की प्यार की मारी है, उसको माँ बाप का प्यार चाहिए। पर अगर उस टाइम पर उन लोगों को ये असलियत पता होती ना कि ये दोनों मिल के आगे जाके कौन सा षड्यंत्र रचाने वाले हैं, तो शायद वो कुछ सोचते इस बारे में। भैया कुछ नहीं मिलता तो आज मैंने मकान खरीद लिया, आज मैंने, तो तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट, अपने आप को ज़्यादा उसमें समझती हो, इंटेलिजेंट, तो भैया अपने आप को तो हर कोई समझता है, पागल भी कभी अपने आप को पागल नहीं कहता है, पर तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद ना तो लगता है कि तुमने YT पे घर का सत्यानाश कर दिया है।
क्योंकि भैया तुम्हारे घर के लोग तो तुम कभी किसी को दिखाते नहीं हो, तो जो जानते हैं तुम्हें ही जानते हैं, और तुम्हारा ये इंटेंशन रहता है कि उनको हमें क्या करना है, कि इस तरीके से बोलना है, इस चीज़ को हमें देखना है, और ये करना है, वो करना है, और बस अपनी फैमिली के लिए अच्छे से वो करना है। और आपके हस्बैंड, वाह क्या बात है उनकी, तो जिनकी जवान पे हमेशा से जो व्यूअर्स उनको सपोर्ट करते हैं उनके लिए गाली बनी रहती है, क्या बात है, कितने समझदार हो ना आप लोग दोनों के दोनों। तो बच्चे को कंटेंट बनाया, पति को कंटेंट बनाया, क्योंकि भैया बच्चे को तो इसलिए दिखाना है क्योंकि बच्चे की वजह से चैनल चल रहे हैं, और बच्चा नहीं दिखाएंगे तो चैनल नहीं चलेगा, और चैनल नहीं चलेगा तो आमदनी का जो स्रोत है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग YouTube पर ही निर्भर हैं। हम YouTube पर निर्भर नहीं हैं, निकल रहा होगा साफ पता चलता है तुम्हारे ऐशो आराम कहाँ गए, वो भैया भाभी बस बहुत दे दिया यार, अब इससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए उनको हमने साइड कर दिया, और अब उनको ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं देनी है, वो भी इसलिए क्योंकि हमें क्या बोलूँ, आप बोलोगे कि फिर वही चीज़ें। तो यार मेरा बोलना आपको ड्रामा लग जाता है, और उस जो ड्रामा दिखाती है करती है ब्ला 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 क्या क्या बोल जाती है वो आपको नहीं लगता, क्यों क्यों भैया, हम बोले तो गलत, वो बोले तो सही, ऐसा कैसे चलेगा, नहीं हो सकता ना। तो तसल्ली से इसके लिए वीडियो कल आएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।